ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा हम पर मेहरबान हुआ है और हमें ऐसा ज्ञान देता है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, ऐसा कोर्स कराता है कि हमारी 21 जन्मों की कमाई का प्रबंध कर देता है कि मेरे बच्चों को 21 जन्म तक कुछ भी कमाना ना पड़े, घर बैठे आराम से सब कुछ मिलता रहे, प्रकृति सब कुछ प्रदान करे, प्रकृति का सौंदर्य मन को आनंदित करता रहे, मेरे बच्चे सोने हीरो के महलों में रहें, अथाह धन संपदा के मालिक बने। और इतनी शक्तियां दे देता है कि दो युग तक उसके बनाए हुए स्वर्ग को संभालते रहें, कोई शत्रु आंख उठाकर भी न देख सके, माया भी तनिक भी वार करने का साहस न कर सके। सोचो कितना बड़ा भाग्य हमें मिल रहा है, 21 जन्मों तक कुछ भी कमाना नहीं पड़ेगा, प्रारब्ध मिलेगी, नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। विचार कर ले आज अपने परिवार की पालना में आप सभी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस धंधों में कितना कष्ट और कितना टेंशन होता है, खाने पीने का भी ठीक समय नहीं मिलता, कितना समय लगाते हैं आप सभी, कितनी सच्चे मन से मेहनत करते हैं, फिर भी परिवार का सुख नहीं मिलता, जिनके कारण सब कुछ करते हैं, वो गाली देते हैं, वो ठुकराते हैं, वो कष्ट देते हैं, वो टेंशन देते हैं। और बाबा हमें इतना श्रेष्ठ भाग्य दे रहा है, विचार करो राजाई सामने खड़ी है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, या हमें इस चीज का एहसास ही नहीं है कि इतना बड़ा भाग्य हमें प्राप्त होने जा रहा है। ऐसी महान भाग्य को प्राप्त करने के लिए तो हमें 200 नाखूनों का जोड़ लगा देना चाहिए, अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए, अपने को समय देना चाहिए, इधर उधर व्यर्थ में जो समय जाता है उसको बचाकर इस कमाई में तत्पर हो जाना चाहिए। और ये कमाई है मूल्य सुनने से होती है, ये कमाई है ज्ञान चिंतन से होती है, ये कमाई दूसरों को ज्ञान दान करने से होती है, ये कमाई योग अभ्यास करने से होती है। इसलिए स्वयं के लिए योग अभ्यास करने का समय अवश्य निकालें, ऐसे न हो कि कर्मों में इतने व्यस्त हो गए हों, काम धंधों में इतने फंस गए हों, लौकिक संबंधों में इतने उलझ गए हों कि अपने लिए भी समय नहीं मिल रहा है। यदि अपने लिए ही समय नहीं होगा तो समय आपको बड़ा कष्ट देगा, इसलिए समय निकालें और घर में बैठकर ही थोड़ा थोड़ा समय भी अच्छा योग अभ्यास अवश्य करें। ज्यादा टाइम ना हो, 15-15 मिनट बैठकर 3 बार सारे दिन में सुंदर अभ्यास कर लें, इससे एकाग्रता भी बहुत बढ़ेगी और योग करने में रुचि पैदा होगी, योग के लिए मन लगेगा, एक बार शांति की अनुभूति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, बाबा शांति के सागर, उनकी शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। दूसरी बार पवित्रता की अनुभूति, मैं परम पवित्र आत्मा, बाबा पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। तीसरी बार शक्तियों की अनुभूति, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। 15-15, 20-20 मिनट 3 बार ये करने से सहज योगी जीवन बन जाएगा, आपके घरों की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और पुरुषार्थ में आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा।
तो आज सारा दिन यही अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और सर्वशक्तिमान का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है, ये सुखद झरना ऊपर से मुझ पर बह रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।